जब करे कुछ हल्का फुल्का और अलग सा खाने का मन तो ये रेसिपी बनाएं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो देखिए, मैंने लिया है ये लौकी, ये गोल वाली लौकी है। इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। पहले इसका छिलका उतार लिया है और इसे अच्छे से 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। तो देखिए, लौकी को इस तरह से हम टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो लंबे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। लौकी की ये रेसिपी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है खाने में और जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो इसमें डालूंगी मैं प्याज, तो प्याज को भी हम इस तरह से काट लेंगे पतले पतले स्लाइस में। कभी कभी कुछ हल्का और अलग खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने गैस पर रख दिया पैन, उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। अब डाल देंगे लौकी और थोड़ा सा डाल देंगे नमक देंगे। लौकी जब हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो गैस को कर देंगे हम बंद और इसका पानी निकाल लेंगे। तो देखिए, छलनी में मैंने लौकी का पानी निकाल लिया है और लौकी हमारे से सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो उसी पैन में मैं इसका तड़का तैयार करूंगी। तो देखिए, मैंने डाल दिया 1 चम्मच देसी घी। घी जब हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा चटकने लगा, अब इसमें डाल दिया मैंने स्लाइस में कटी हुई प्याज। अब डाल देंगे लंबे कटे हुए टमाटर। आप चाहे तो इसमें कोई और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे कि कद्दू, जिसे पेठा कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। इसमें ये हेल्दी है। तो डाल दिया थोड़ा सा नमक। अब डाल देंगे हम उबली हुई लौकी। तो इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालिए, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसे हेल्दी बना रहे हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर चुटकी भर के करीब, थोड़ी सी डाल दिया धनिया पाउडर, थोड़ी सी डाल दी काली मिर्च। तो इसको हमने गैस पे हल्का सा टोस्ट करना है, पानी वगैरह कुछ नहीं डालना। तो लीजिए, तैयार है हमारी टेस्टी और मज़ेदार सी लौकी की भाजी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है मैंने। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, भाजी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं लंच में, अगर आपको फुलके चपाती कुछ ना खाने हो तो राइस के साथ भी खा सकते हैं इसको। तो मैंने इसके साथ बनाई है खूबा रोटी। तो आटा लगा के रखा हुआ था, देखिए उसकी मैंने खूबा रोटी बना ली है। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको खूबा रोटी बनाने का तरीका बता दूंगी। तो टेस्टी मज़ेदार सी लौकी की सब्ज़ी और साथ में खूबा रोटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रेसिपी अच्छी लगी है तो घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी।